जिज्ञासु मित्रों, आज हम दर्शन के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, दर्शन क्या है ये तो हमने समझने का प्रयास किया, लेकिन इसमें जो कार्य हुए विशेष करके मीमांसा के अंदर, मीमांसा दर्शन में, मीमांसा शब्द का अपना भी एक अर्थ है, किसी भी विषय के सार को समझना, चिंतन करना, सकारात्मक ढंग से चिंतन करना ही मीमांसा है। बहुत पुराना इतिहास है मीमांसा दर्शन का। थोड़ा इतिहास और थोड़ा मीमांसा दर्शन के जो विषय है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से मीमांसा का विकास हुआ। मीमांसा दर्शन के दो भाग हैं, एक है पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। वास्तव में वेदों का सार दर्शन देते हैं, तो वेदों के अंदर एक ज्ञान कांड है और एक कर्म कांड है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड रखा गया और पूर्व मीमांसा में कर्म कांड को रखा गया। लेकिन जब हम मीमांसा दर्शन का अध्ययन करते हैं, वेदों से ज्ञान कांड कर्म कांड ये निकालने का कार्य किसने किया, तो यह विषय इस कार्य को महर्षि जैमिनी हुए जिनके द्वारा ये काम हुआ। लगभग कुछ लोग इसको 600 ईसा पूर्व भी बताते हैं, कुछ 500, कुछ 1000 ईसा पूर्व भी, यद्यपि इतिहास, लेकिन यह तो है कि यह बहुत पहले इसको लिखा गया। इसमें से वेदों में से ज्ञान कांड और कर्म कांड को निकाला गया। लेकिन मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से प्रचलित कब हुआ, क्या वर्तमान में प्रचलित है? अगर हम वर्तमान में देखें कि आज वर्तमान में क्या प्रचलित है, मीमांसा दर्शन बिल्कुल वैसा तो नहीं, लेकिन उसका एक विकृत रूप प्रचलित है और बहुत ज्यादा प्रचलित है। आज के समय में धर्म को लेकर भारत के अंदर हिंदू मतावलंबियों के अंदर, सनातन धर्मियों के अंदर, मुख्य रूप से सनातन धर्म धर्मी ही हैं हम, तो सनातन धर्मियों के अंदर जो विचारधारा सामान्य जनता में, सामान्य जनमानस के अंदर जो प्रचलित है, वो सब की सब मीमांसा की देन है। लेकिन ये घटना, ये इस दर्शन का प्रसार हुआ कब, किस प्रकार से ये वायरल हुआ, वायरल कहने का मतलब समझ ही रहे, सबके अंदर, पूरे जनमानस, सामान्य जनमानस तक ये पहुंच गया, कैसे, किस प्रकार से? तो मीमांसा, जैसे कि एक उदाहरण ले सकते, अभी किसी जिज्ञासु ने मुझसे प्रश्न किया कि आत्मा भटकती है तो आत्मा कैसे भटकती है, क्या आत्मा कर्म करती है जो आत्मा भटकती है? तो ये जो विषय है ये मीमांसा दर्शन का विषय है। मीमांसा दर्शन के अनुसार अगर हम श्रीमद् भगवत गीता या उपनिषदों को पढ़ते हैं तो वहां हमें मिलता है कि आत्मा परमात्मा एक ही तत्व है। लेकिन जब आप मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तो मीमांसा ये कहती है कि आत्मा अनेक है, मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा अलग है, अनेकों आत्माएं हैं। तो इस प्रकार से मीमांसा दर्शन आत्मा के विषय में कहती है। तो ये जो हमारी आत्मा भटकती है, उसकी आत्मा भटक, ये जो बात है ये मीमांसा से निकला है। तो मीमांसा जनमानस के अंदर जो ज्ञान है, जो धर्म को लेकर जो छोटे मोटे जो ज्ञान, पूजा पाठ और कई तथ्य,
पूजा करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ये जितने भी कर्म कांड का जो संपूर्ण विषय जो कि सामान्य जनमानस में आज भी व्याप्त है कि कार्तिक पूर्णिमा को स्नान कर लो, शरद पूर्णिमा को स्नान कर लो, मकर संक्रांति में स्नान करो, मकर संक्रांति में जो है खिचड़ी खाओ, सुबह सुबह स्नान करो, ठीक। तो ये जो प्रचलित हुआ, और आप जानते हैं कितना प्रचलित हुआ, कुंभ का मेला, कुंभ में संगम में स्नान करना, नदियों में स्नान करना, नदियों का सम्मान करना, ये जितनी चीजें कितनी प्रचलित हुई कि गांव गांव में लोगों तक ये बातें पहुंची हुई। कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने कर्मकांड का प्रसार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का मत रखा था जिसमें कर्मकांड पूजा पाठ का महत्व नहीं है। अब एक और विशेषता है मीमांसा दर्शन की कि मीमांसा दर्शन देवों की पूजा करवाता है, ना कि ब्रह्म की। इसलिए इस दर्शन को अनिश्वरवादी श्रेणी में रखा गया कि यह अनिश्वरवादी है, ईश्वरवादी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी ईश्वर को प्राप्त करने का लक्ष्य नजर ही नहीं आता। किसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये सूत्र, मीमांसा दर्शन के सूत्र लिखे जा रहे हैं, ऐसा नजर नहीं आता। हां, पूजा पाठ कर्मकांड सही विधि से अगर कोई करता है तो मीमांसा के अंदर दो चीजें जुड़ी हुई थी, एक ज्योतिष और दूसरा आयुर्वेद। ध्यान रखिएगा, मीमांसा के साथ दो चीजें जुड़ी हुई थी, ज्योतिष और आयुर्वेद। ज्योतिष वेदांग का छठा अंग है, छह वेदांगों में एक ज्योतिष है, और इसलिए वेदों से निकला है ज्योतिष, इसलिए ग्रहों की मान्यता भी वेदों के अंदर निहित है। ग्रहों के लिए जो कर्मकांड किए जाते वो भी वेदों के अंदर निहित है, वेदों से निकला है। तो ज्योतिष और आयुर्वेद, ये मीमांसा के साथ जुड़े हुए हैं। तो जीवन को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या करें कि हम जीवन हमारा बेहतर हो, निरोगी रहे, हम हमारा स्वस्थ काया हो, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ तन मन रहेगा तो हमारे पास धन भी होगा, हम विद्यावान हो, हम गुणी हो, हम संस्कारवान हो। जो वर्णाश्रम धर्म है, मीमांसा आधार बनाता है वर्णाश्रम धर्म को और 16 संस्कारों के नियम को, कि 16 संस्कार होते हैं तो अंततः 16वां अंत्येष्टि संस्कार होता है, मृत्यु के समय जो संस्कार होता है। तो इस प्रकार से मीमांसा इन सब चीजों का प्रतिपादन करता है, इन सब चीजों को समाज को देता है जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए। अब आप समझ गए होंगे मीमांसा का कितना प्रसार है। कुछ क्योंकि एक जिज्ञासु ने पूछा कि मीमांसा दर्शन के बारे में कोई नहीं जानता। सत्य तो यह है कि गांव गांव में जो कर्म कांड, जो विधि विधान, तुलसी की पूजा करनी है, तुलसी को जल देना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, ये सब जितने भी ये नियम, जो विधि विधान कर्म कांड आए हैं वो मीमांसा के माध्यम से आए हैं, मीमांसा दर्शन के माध्यम से आए। मीमांसा नहीं कहता कि कोई ईश्वर एक है और उसे प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति की बात भी नहीं करता। जब महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड आ गया, तो उत्तर मीमांसा वेदांत का अंग है, वेदांत दर्शन का अंग है। इसीलिए वेदांत और मीमांसा एक श्रेणी के दर्शन है, परंतु वेदांत में ब्रह्म सर्वोपरि है, ईश्वर सर्वोपरि है, और यहां मीमांसा में ईश्वर मीमांसा की चर्चा का केंद्र नहीं है। ईश्वर को लक्ष्य लेकर कोई बात नहीं कही जा रही, जीवन को लक्ष्य लेकर सारी बातें कही जा रही, ये इसकी विशेषता है और इसकी महानता भी है और इसकी सूक्ष्मदर्शी होने का प्रमाण भी है। अब जब इसकी रचना हुई तो बाद में क्या हुआ कि जब समय आगे बढ़ा, लगभग 300 वर्ष 400 वर्ष पहले बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, सिद्धार्थ गौतम का। यद्यपि बुद्ध होना एक अलग विषय है, गौतम ऋषि, सिद्धार्थ गौतम जो हुए, गौतम ऋषि अलग थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम शाक्य मुनि जो थे वो बुद्ध हो गए, अर्थात वो बुद्ध हो गए मतलब वो ज्ञानी हो गए, बुद्ध कई हुए। अगर बुद्ध धर्म का भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी, उनके ग्रंथों में भी कई बुद्धों का वर्णन किया गया है कि कई हुए, जो ज्ञान संपन्न है, जो आत्मज्ञान संपन्न है, आत्मस्थित है, स्थित प्रज्ञा है, वो बुद्ध ही है। तो इस प्रकार से जब बुद्ध का समय आया तो बुद्ध के समय में साधना का महत्व तो बढ़ गया, लोग
कर्म कांडों को छोड़कर साधना के मार्ग पर चलने लगे और एक विचारधारा का प्रसार हुआ कि यह संसार दुखमय है। मीमांसा अपने आप में बहुत सारे अनोखेपन को लिए हुए है। यह बुद्ध का दर्शन इस बात से शुरू होता है कि यह संसार दुखमय है। वेदांत, अद्वैत वेदांत, आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत यह कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और यह संसार मिथ्या है, झूठ है यह संसार, वो ये कहता है। बुद्ध का दर्शन ये कहता है, बौद्ध दर्शन ये कहता है, सिद्धार्थ गौतम का दर्शन ये कहता है, यहां से बात शुरू होती है कि संसार दुखमय है। इन दोनों के विरुद्ध में मीमांसा खड़ा होता है और मीमांसा दर्शन ये कहता है कि संसार सत्य है और इस जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। वो जीवन में सुख को देखता है, ये मीमांसा की बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन जब दर्शन लिखा गया, जैमिनी के कार्य के ऊपर शबरभाष्य आया, स्वयं लगभग कहते कि शबर ऋषि हुए जो बुद्ध के ही लगभग समकालीन हुए, या बौद्ध धर्म का जब प्रसार चल रहा था उस समय हुए, और जब उन्होंने देखा कि लोग धीरे धीरे कर्म कांडों से दूर जा रहे हैं, यद्यपि उस समय भी जनमानस में कर्म कांड नहीं समाया था, कर्म कांड भी करने वाले राजा लोग या फिर यज्ञ हवन की जो विधियां थी वो राजा महाराजा और ऋषि मुनि ही करते थे, प्रत्येक गांव गांव में नहीं गया हुआ था, जो विद्वान थे जो ब्राह्मण थे उन्हीं तक पहुंचा हुआ था। लेकिन ये गांव गांव में कैसे पहुंच गया, जनमानस तक पहुंचा कैसे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और वो कहानी एक क्रांतिकारी इतिहास है। कहानी नहीं, कोई कथा नहीं, कोई फिक्शन नहीं है, वो सच्ची घटना है, इतिहास में लिखित अंकित घटना है, इतिहास के द्वारा मान्य है। तो शबर ने भाष्य लिखा, समय बीता, कुछ और समय बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का जो साधना पद्धति थी लोगों ने उसे अपनाना शुरू किया। लेकिन जिस अवस्था को बुद्ध ने स्पर्श किया उस अवस्था को हर साधक स्पर्श नहीं कर पा रहा था, इसलिए साधना करने पर आज भी कई साधकों की समस्या होती है। साधना तो करते हैं लेकिन मन चारों ओर भागता रहता। जिस आनंद की बात बुद्ध करते थे, जिस परमानंद की बात बुद्ध करते थे, उस परमानंद को लोग स्पर्श नहीं कर पा रहे थे, उस परमानंद को लोग छू नहीं पा रहे थे, और इस कारण से साधना में बैठते तो जरूर लेकिन मन चारों ओर भटकता रहता, मन चारों ओर भागता रहता। और फिर बुद्ध के जो अनुयायी थे, वो राजा महाराजा कई तरह के लोग थे, मुख्य रूप से अगर हम बुद्ध के जो बिल्कुल समीप के जो शिष्य थे, महाकश्यप, मुद्गलाना, सारिपुत्र, ये सभी कर्मकांडी ब्राह्मण ही रहे हैं, यज्ञ हवन करने वाले ब्राह्मण ही थे, जो वनों के अंदर तपस्या करते थे और यज्ञ हवन का भी कार्य करते थे। यही बाद में बुद्ध के शिष्य बने, बुद्ध से प्रभावित हुए, बुद्ध के साधना मार्ग में चले। तो धीरे धीरे यज्ञ हवन का ये सब खत्म होने जैसा लगने लगा, तो उस समय शबर मुनि ने इसके प्रचार के लिए कि ये खत्म ना हो क्योंकि ये कल्याणकारी है, ये जीवन को सुखी बनाता है और यही प्रैक्टिकल है, क्यों ये ज्यादा मीमांसा इतना प्रचलित इसलिए हो गया, मीमांसा के तथ्य इतने, हाँ बाद में विकृतियां आ गई अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही भाष्य की रचना हुई, मीमांसा दर्शन लिखा गया उस अज्ञानता को हटाने के लिए। विकृतियां आई पूजा पाठ में, कर्म कांड में विकृतियां आई, लेकिन मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य था कर्म कांड नहीं था, कर्म कांड को बताना नहीं था, कर्म कांड के पीछे जो विज्ञान है, जो प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति के जो रहस्य है उसको समझाना मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य था, उसको समझाना। तो उसको समझाना और उसको समझाया गया, सबसे प्रथम शबर मुनि का अपना प्रयास जिससे कि वो बचा रहा। फिर बाद में जब बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत हो गया और इसने पूर्णतः राजनीतिक, जब कोई चीज बहुत फैल जाती है, क्योंकि संसार द्वैतमयी है और इसी द्वैतमयी को मीमांसा समझाना चाहता था, यह संसार पाप पुण्य और गलत सही इन सभी चीजों से भरा हुआ है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब चीजों से भरा हुआ है, संपन्न है, द्वैतमयी है। द्वैतमय होने के कारण जब कोई भी चीज चलती है तो अपने आप अच्छी चीज बुरा रूप धारण कर लेती है,
ये प्रकृति का नियम है, आपने रोटी बनाई वो अपने आप खराब होना शुरू हो जाएगी, जिस अपने आप उस कुछ देर तक ठीक रही अपने आप फिर वो खराब हो जाती, संसार का नियम ही कुछ ऐसा है। अब घटनाएं घटने लगी, बौद्ध धर्म ने पूर्णतः राजनीतिक रूप धारण कर लिया, जहां पर अहिंसा का सिद्धांत था वहां बुद्ध के नाम पर हिंसाएं शुरू हो गई, बुद्ध के नाम पर मात्र राजनीति, राजा लोगों ने बुद्ध को जो राज करने की चेष्टा रखता है बस वो राजा होना ही जानता है और उसके लिए वो कोई भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से जैसे कि धनानंद के समय चाणक्य के समय भी देखा गया कि चाणक्य से और वैदिक ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए धनानंद ने भी बुद्ध बौद्धिक भिक्षुओं का सहारा लिया, लेकिन उस समय जो बुद्ध थे उन्होंने चाणक्य का साथ दिया, धनानंद का साथ नहीं दिया, इसलिए मौर्य वंश की स्थापना हो पाई, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना कोई बौद्धिकों के द्वारा या बुद्ध धर्म के द्वारा नहीं किया गया, चाणक्य के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, और चाणक्य बुद्ध को के प्रति आस्था रखते थे इसलिए मौर्य राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध मत को संरक्षण दिया। आज ये बहुत सारी बातें हैं कि बौद्ध धर्म हम कहते हैं, तब ये बौद्ध धर्म नहीं था, तब ये एक साधना पद्धति मात्र थी, कोई भी उसको स्वीकार कर सकता था, जो साधना और निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहता है, मोक्ष के लिए अग्रसर है तो वो इच्छुक है तो वो उस रास्ते पर चल सकता है, साधना का मार्ग अपना सकता है। धर्म के रूप में इसे बाद के राजाओं और फिर वर्तमान राजनेताओं ने इसे विभाजित किया, इसे एक नया धर्म के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया अपनी स्वार्थ अपनी राजनीति के लिए। तो कुछ ऐसा ही माहौल लगभग बुद्ध के 1000 वर्ष बाद 7वीं सदी में सन 650 का समय था, उस समय एक क्रांतिकारी वैदिक ब्राह्मण हुए, वैदिक प्रचारक हुए, कुमारिक भट्ट। मीमांसा दर्शन का जो संपूर्ण स्थापना और इसको एक आम जनमानस तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी प्रयास था वो कुमारिल भट्ट का था, इसलिए भट्ट मीमांसा सबसे ज्यादा विख्यात हुई और उसके बाद प्रभाकर मीमांसा आई, जो भट्ट से थोड़ी अलग कर बातों को उसमें बताया गया। तो भट्ट ने शास्त्रार्थ शुरू किए, तर्क शुरू किए, पहले तो उन्होंने संपूर्ण उनकी जो कथा आती है बड़ी सुंदर कथा है कि वैदिक ज्ञान लिया, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का, उपनिषदों का अध्ययन किया, और संपूर्ण अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि मैंने ये सब तो पढ़ लिया लेकिन मैंने अभी बौद्ध ग्रंथों के बारे में त्रिपिटक और महायान का अध्ययन मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे फिर से दोबारा विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन करने के लिए जाना चाहिए, और बुद्ध के प्रति श्रद्धा आस्था ने उनको वहां पर वो गए और बौद्ध धर्म से संबंधित सारे अध्ययन वो करना प्रारंभ कर दिए। लेकिन जब अध्ययन करने लगे और वहां पर बौद्धों का जो व्यवहार देखा ये बिल्कुल प्रतिकूल नजर आया, बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार प्रतिकूल नजर आया, दंभ भरा हुआ था, सत्ता का मोह भरा हुआ था और बौद्ध भिक्षु ही सलाहकार हुआ करते थे राजा के, और इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि इस तरह से तो धर्म खंडित हो रहा है, अधर्म फैल रहा है, अनीति फैल रही है, अत्याचार फैल रहा है, तो इससे उन्होंने इस बात को जब देखा और वैदिक बिना अनुसंधान के, बिना कुछ जानने, बिना कोई अनुसंधान के उन्होंने देखा कि वैदिक धर्म का अपमान किया जा रहा है, वेदों का अपमान हो रहा है, संपूर्ण कर्म कांडों का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने बौद्ध विद्वानों से शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया। जब शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया तो फिर लगने लगा कि अरे ये हमारे बीच में रहता है, ये एक भिक्षुक बन के रहता है, बौद्ध भिक्षुक है, लेकिन हमसे शास्त्रार्थ करता है, हमारा ही विरोध करता है, वेदों का समर्थन करता है, तो ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये बौद्ध धर्म का विरोधी है। लेकिन कुमारिल भट्ट का उद्देश्य था कि शास्त्रार्थ के द्वारा किसी विशेष निष्कर्ष पे पहुंचना, उन्होंने कभी शस्त्र लेकर विरोध नहीं किया, शास्त्र लेकर विरोध किया, और वो विरोध भी नहीं था, वो बातों को सुलझाना चाहते थे, बौद्ध भिक्षुओं के अंदर जो विकृति आ गई थी वो बुद्ध के अनुकूल नहीं रह गए थे, वो क्रोध लोभ मोह के आवेश में दिखाई देते थे, बुद्ध की बताई हुई साधना मार्ग पर चलने पर भी उनके अंदर ये विकृतियां नजर आती थी। तो भट्ट ने समझाने का प्रयास किया, जब समझाने का प्रयास किया तो उनको बौद्ध धर्म का बुद्ध का विरोधी घोषित किया, यही तो होता है जब कोई समझाने का प्रयास करे तो उसको विरोधी बोल दो कि वो गुरु द्रोही है, वो गुरु विरोधी है, इस तरह की चर्चा। भट्ट को बुद्ध का विरोधी घोषित किया गया और राजा के पास जाकर उनकी शिकायत की गई और उनको मृत्यु दंड दिया गया। क्या था मृत्यु दंड? किसी पहाड़ से नीचे, ऊंचाई से, ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो, ये मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब
कुमारिल भट्ट ने कहा कि अगर ईश्वर है, अगर देवताओं की सत्ता है, तो वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर वो चल पड़े। मृत्यु को उन्होंने गले लगाया, और जब मृत्यु को गले लगाया, उन्हें बड़बोध पहाड़ी की बहुत ऊंची चोटी से उन्हें नीचे गिरा दिया गया। और जब नीचे गिराया गया, कहते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी एक आंख फूट गई, एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई, और पूरा शरीर बिल्कुल वैसे का वैसे रहा, कुछ नहीं हुआ। कोई उनको ना कोई तकलीफ हुई, ना पैरों की हड्डी टूटी, सब कुछ, बस एक आंख क्षतिग्रस्त हो गया। एक आंख जब क्षतिग्रस्त हो गया, जब मरे भी नहीं इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद, तो सभी जन सामान्य के लिए वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उनके कई मित्र जो बौद्ध भिक्षुक थे, वो उनके साथ हो गए, वो उनके पास आए कि भट्ट, तुम जीवित हो, इस बात की हमें प्रशंसा है, और आज हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। देखते देखते विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक का समूह जो है वो भट्ट के साथ हो गया, इतना बड़ा चमत्कार। लेकिन उनके मित्रों ने पूछा कि भट्ट कुमारी, तुमने कहा कि अगर ईश्वर है तो मुझे कुछ नहीं होगा, चलो तुम मृत्यु से तो बच गए, लेकिन तुम्हारी एक एक आंख जो है वो क्षतिग्रस्त क्यों हो गई, वो क्यों फूट गई? तो उसने कहा कि उसका कारण मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैंने कहा कि अगर ईश्वर है, मुझे कहना चाहिए था कि ईश्वर है और वो मेरी रक्षा अवश्य करेगा। अगर मैं कहता तो मेरी ये एक आंख भी नहीं फूटती, इतना विश्वास। और जब वो इस मार्ग पर चले, एक क्रांति का माहौल बनता गया। जो जो भट्ट के समक्ष आता, भट्ट के तर्कों और उनसे और उनके जीवन में घटे चमत्कार को सुनता, वो भट्ट का अनुयायी बन जाता। देखते देखते जनमानस में वैदिक कर्मकांड फैलने लगा। ये कुमारिल भट्ट का क्रांतिकारी कार्य था, फैलने लगा, और उन जनमानस ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो अपने तर्क के आधार पर उन्होंने प्रमाण को ही सिद्ध माना कि जब तक किसी बात का प्रमाण नहीं है, तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। संसार दुखमय है, यह बुद्ध ने कहा, तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि संसार सर्वदा तो दुखमय नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? इस संसार में सुख भी है, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से जीव अनेकों सुख का अनुभव करता है। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, कैसे कह सकते हैं? भट्ट ने अपने तर्क रखे। जब किसी को मारा जाए, मान लीजिए कि आपको किसी ने डंडा मारा, तो आप कहिए कि आत्मा तो सत्य है, शरीर तो नश्वर है, फिर दुखी होने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, जब आपकी पिटाई होगी तो आप चिल्लाएंगे, क्यों? क्योंकि आपकी आसक्ति अभी तक शरीर में है, और आप सीधा ब्रह्म की बात करते हैं, सीधा ऊपर की बात करते हैं। यह मीमांसा दर्शन की का आधार था। मीमांसा ने साधारण मनुष्य के लिए, जो साधना नहीं करता, जो ध्यान योग के मार्ग पर चलकर, यद्यपि ध्यान योग के मार्ग पर चलना चाहिए, ये भट्ट ने जोड़ा, ये भट्ट ने जोड़ा। मीमांसा में पहले तो नहीं था, मोक्ष की अवधारणा भी नहीं थी, कुमारिल भट्ट ने मोक्ष की अवधारणा जोड़ी, ईश्वर की अवधारणा मीमांसा में जोड़ी, भट्ट मीमांसा में जोड़ी, और उन्होंने प्रमाण मांगा। जो बात कही जा रही हो प्रमाणित होनी चाहिए, हर चीज का प्रमाण। और प्रमाण के लिए उन्होंने तर्क करना शुरू किया। छह प्रकार के प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये छह प्रकार के प्रमाण उन्होंने कहा कि इन छह माध्यम से वो तर्क करते थे और अपने प्रमाण रखते थे। मीमांसा दर्शन का अध्ययन में ये इन छह प्रमाणों को पढ़ाया जाता है कि ये किस प्रकार से क्या है। तो इस प्रकार से वो तर्क करते थे, और देखते देखते उनके जीवन में घटे, आज हम इस कहानी को नहीं जानते या बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना घटी थी उस समय। वो लगभग कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन का उस समय साम्राज्य था, और बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना घटी। भट्ट के मुख्य शिष्य हुए मंडन मिश्र, जो कि बाद में शंकराचार्य की गद्दी पर बैठते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य के मुख्य शिष्यों में से थे, उन्हीं के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, क्योंकि कुमारिल भट्ट के पास आदि गुरु शंकराचार्य गए थे, उनका नाम सुना था उन्होंने, उनका नाम सुना था कि एक कुमारिल भट्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे बौद्ध विद्वानों और अन्य दर्शन के विद्वानों को अपने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया है, और इसलिए शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए कुमारिल भट्ट के पास गए। लेकिन कुमारिल भट्ट ने अपने प्राश्चित में अपने देह का त्याग किया,
उन्होंने कहा कि मैंने एक बार संकल्प लिया था कि मैं कभी भी आजीवन बौद्ध धर्म का विरोध नहीं करूंगा, जब मैं अपने विद्यालय में था, क्योंकि वो एक बौद्ध भिक्षु थे। कुमारिल भट्ट कोई ऐसा नहीं, वो बौद्ध भिक्षुओं से आए थे और बौद्ध धर्म के अंदर जो विकृतियां, जो कुरीतियां पनप रही थी, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वैदिक मत का प्रचार करना शुरू किया। कई लोग कई तरह के से इस बात को सुनाते हैं कि नहीं, जो बौद्ध धर्म के मतावलंबी हैं वो, या हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो कहते हैं नहीं वो ठग था और ऐसे ही घुस गया था बौद्ध धर्मियों के बीच में उनकी जानकारी लेने के लिए, उनका ज्ञान लेने के लिए, उनका विरोध करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उन विकृतियों को देखकर वो इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने विजय को प्राप्त किया। और वो समय था, वो समय था जिस समय मीमांसा जन जन तक पहुंचने लगा, गांव गांव तक कर्मकांड पहुंचने लगे, गांव गांव में लोग अग्निहोत्र करना शुरू कर दिए और उनको लाभ मिलना शुरू हो गया। जो व्यक्ति डेली अग्निहोत्र करता है उसका स्वास्थ्य अलग होता है, वो ज्यादा स्वस्थ रहता है दूसरे लोगों की तुलना में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी करके देख सकते हैं इस चीज को, छोटा सा अग्निहोत्र डेली कर दे। तो ये जीवन जीना कैसे है, 16 संस्कार, इन सब चीजों को भट्ट ने वर्णित किया कि ये जरूरी है एक सामान्य मनुष्य को जीवन जीने के लिए। देवताओं की उपासना, देवताओं को प्रसन्न करना, नदियों की पूजा, वृक्षों की पूजा, नीम की पूजा, पीपल की पूजा, ये जो कुछ भी है प्रकृति पूजा सनातन धर्म का अभिन्न अंग है और सबसे ज्यादा प्रचलन में है। हाँ, वो विकृत अवस्थ्य हो चुका है, लोग उसके विज्ञान रहस्य को नहीं जानते हैं, इसलिए विकृत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, ये एक अलग बात है, इसलिए जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। मीमांसा अपने आप में क्रांति, कुमारिल भट्ट एक क्रांति लेकर आए और उन्होंने कर्म कांड में कर्म बताए कि कौन कौन से हम कर्म कर सकते हैं, कैसे हमारे कर्म कर होते हैं। तो 6-5 तरह के कर्म उन्होंने बताए कि 5 तरह के कर्म कांड जैसे किए जाते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्राश्चित कर्म। नित्य कर्म जो डेली स्नान पूजा आदि जो हम करते हैं, डेली का अग्निहोत्र करना, दिया जलाते हैं, दिया ही जलाते हैं, अगर हम अग्निहोत्र नहीं कर सकते हैं तो डेली कम से कम एक दिया ही जला दे, उस समय बहुत सारी नकारात्मकता, हमारा ऑरा जो है वो क्लीनिंग होता है। जिस समय हम आरती करते हैं ना, आरती करने का जो ये नियम, ये सब जो बनाया गया, ये सब मीमांसा की देन है, मीमांसा की देन है और कुमारिल भट्ट की, उनका उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनके द्वारा लाई गई क्रांति की देन है ये सब। आरती जब हम करते हैं हमारा ऑरा क्लीनिंग होता है उस समय। तो डेली दिया जला दे, डेली अग्निहोत्र कर दे, ये इस विज्ञान को। हाँ, भट्ट ने मूर्ति पूजा को नहीं रखा था, हाँ बाद में मूर्ति पूजा। हाँ, तो कुमारिल भट्ट ने ये क्रांति लाई, 6 कर्म बताए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए, फिर प्राश्चित कर्म। तो इस प्रकार से ये जनमानस के अंदर इस प्रकार से ये फैला कि लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया और जीवन में उनको प्रभाव दिखने लगा, जीवन सरल होने लगा, जीवन बेहतर होने लगा, वो स्वस्थ महसूस करने लगे। और इसमें सारा आयुर्वेद भी जुड़ा था, ज्योतिष भी जुड़ा था, ज्योतिष नियमों के अनुसार जितने भी आप पर्व त्योहार मनाते हो, मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हो, एक ज्योतिषीय ज्योतिष के अनुकूल ही सारे पर्व त्योहार है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व होता है, वो तो हर महीने सूर्य किसी न किसी राशि में प्रवेश करता है, लेकिन मकर राशि विशेष रूप से महत्व रखती है। यद्यपि क्यों महत्व रखती है, ये ज्योतिष का विषय है। तो लेकिन भट्ट ज्योतिष, आयुर्वेद, इन सब के ज्ञाता थे। उसकी व्याख्या की, मीमांसा दर्शन की व्याख्या की भट्ट मीमांसा, फिर प्रभाकर मीमांसा आया। और इस प्रकार से कर्म कांडों का महत्व, देव पूजन का महत्व, देवों का सम्मान, नदियों का सम्मान, वृक्षों का सम्मान, अग्नि का सम्मान, देवताओं को दान, और जो है इस प्रकार से ये सारी चीजें, इनका महत्व, इनका जो रहस्य, इनका जो सार है, उसको बतलाने का प्रयास। क्योंकि दर्शन, दर्शन का अर्थ है सार तत्व को देखना, तो उसको बताने का प्रयास मीमांसा के माध्यम से संपन्न हुआ, मीमांसा के माध्यम से हुआ। तो संपूर्ण मीमांसा दर्शन जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं, वो जीवन के बाद के नहीं, वो जीवन को आप कितना अच्छा बना सकते हैं, जीवन को आप कितना बेहतर, कितना सात्विक,
कैसे रहना है, कैसे सोना है, पूर्व की दिशा में सिर करके सोना चाहिए, उत्तर की दिशा में नहीं सोना चाहिए, इस तरह की बातें, ये सब हमें इस संपूर्ण कर्मकांड का ही अंग है। तो ये संपूर्ण बातें मीमांसा ने प्रचारित की, जीवन जीने का तरीका दिया, जीवन को दुखमय नहीं बताया, जीवन को नश्वर भी नहीं बताया। ये संसार है, जो दिख रहा है वो है, वो हमें सुखी करता है, दुखी करता है, कोई गाली दे दे तो हम दुखी होते हैं, कोई वो कर तो हम उससे कैसे अपने जीवन को बनाए, सुंदर बनाए, बेहतर बनाए अपने जीवन को, ये विचारधारा मीमांसा की विचारधारा है। यहां से मीमांसा दर्शन हमें विचार देता है, हमें अपनी सोच समझ देता है। वो मिथ्या नहीं कहता संसार को, दुखमय भी नहीं कहता, बुद्ध दर्शन के अनुसार दुखमय भी नहीं कहता, और फिर अद्वैत वेदांत के अनुसार वो इसे मिथ्या भी नहीं कहता, इसे मिथ्या भी नहीं मानता। वो कहता कि संसार है क्योंकि आपको दुखी और सुखी कर रहा है। अगर आग हाथ चला जाए, अग्नि में हमारा हाथ चला जाए, तो क्या हम कहेंगे कि जग ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आत्मा ही सत्य है, शरीर तो नश्वर है? और ऐसा कहने से क्या जो जलने का जो कष्ट है, जो दुख है, वो दूर हो जाएगा? इसलिए उसके कहने का अपना एक स्तर है, वो बात भी अपनी जगह पे गलत तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से उस बात को कही गई। और मीमांसा बिल्कुल जमीनी दृष्टिकोण से बात कर रहा है कि एक आम इंसान, एक जनमानस जो है, जो सामान्य जनमानस है, वो जो ऋषि नहीं बन पा रहा, जो सिद्ध पुरुष नहीं बन सकता, जो अभी साधना तक नहीं पहुंच पा रहा। और फिर भट्ट मीमांसा ने यह भी बात प्रमाणित की कि ये जितने भी क्रियाकलाप हैं, अग्निहोत्र का कर्म कांड है, हवन यज्ञ है, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मंत्रों के उच्चारण से हवन, उनके अलग अलग दान होते हैं, ग्रहों के भी अलग अलग दान होते हैं, शनि का दान अलग है, राहु का अलग है, तो ये जितनी भी बातें हैं, मीमांसा ने यह भी प्रमाणित किया साथ में कि ये एक योगी के लिए, जब मोक्ष की अवधारणा कुमारिल भट्ट ने जोड़ी है मीमांसा दर्शन में, मोक्ष की अवधारणा कुमारिल भट्ट ने जोड़ी कि हाँ, जब सारे सुख दुख खत्म हो जाए, सारे कर्म खत्म हो जाए, सारे पाप पुण्य खत्म हो जाए, तो जीव मुक्त हो जाता है, उसका मन और शरीर दोनों से बंधन खत्म हो जाता है, तब वो मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पहले भट्ट के पहले जो विद्वान हुए मीमांसा के, उन्होंने मोक्ष के बारे में नहीं लिखा, लेकिन कुमारिल भट्ट ने लिखा है, हो जाते हैं। और ये जितने भी कर्म कांड है, ये मोक्षदायी है, ये मोक्षदायी है। नियमित दान, नियमित स्नान, नियमित पूजा पाठ, नियमित कर्म यज्ञ हवन अगर आप करते हैं, तो ये आपके साधना में सहायक हैं, ये मन को उस उत्कृष्ट अवस्था ले जाने में सहायक है। उन्होंने साथ में इन बातों को भी जोड़ दिया। तो इनका उद्देश्य था कि बौद्ध दर्शन की जो बौद्ध की जो साधना है वो तो हो, लेकिन मनुष्य जो जरूरी काम है इसको छोड़ रहा है, और वो उस साधना के उस ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए जनमानस दुखी हो रहा है। एक तो उनके साथ घटने वाली ईश्वर की कृपा कि उनको पहाड़ी की चोटी से गिरा दिया गया और फिर भी वो सुरक्षित बच गए, और उसके बाद उनके तर्क, मुख्य रूप से उनका शास्त्रार्थ, जगह जगह बौद्ध विद्वानों के पास जाना और उस शास्त्रार्थ करना और उनको समझाना, उनको तर्क के द्वारा बातें प्रमाणित कर देनी, वो कहते, इसलिए वो हर बात प्रमाण से शुरू करते थे। प्रमाण बहुत ज्यादा महत्व था, प्रत्यक्ष अनुमान, इस प्रकार से उपमान, शब्द का प्रमाण हो, उपमान का प्रमाण हो, अनुमान का प्रमाण हो, प्रत्यक्ष का प्रमाण हो, अगर इनका भी नहीं है तो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इन सब माध्यम से अपने बातों को प्रूफ करते थे कि ये इस तरह से ये है। इसलिए संसार मिथ्या नहीं है और संसार दुखमय नहीं है, ये मीमांसा दर्शन का आधार था, ना कि दुखमय है और मिथ्या है, इस आधार पर वो बात नहीं करते थे। और संपूर्ण कर्मकांड इससे संबंधित है, जितने भी कर्मकांड लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाना, आरती करना, हवन करना, यज्ञ करना, स्नान करना, दान करना, ये जो कुछ भी है वो सब मीमांसा। इसलिए अगर कोई दर्शन ने अपनी जमीन, जड़े सबसे ज्यादा अगर फैली हुई है समाज में, तो मीमांसा की फैली हुई है। हमने नाम तो आदि गुरु शंकराचार्य का बहुत सुना है, हमने बुद्ध का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो मीमांसा, वो भट्ट की बातों को और शबर ऋषि और जैमिनी मुनि का जो कर्मकांड की जो बातें थी, वेदों से जो कर्मकांड निकाले गए, उसको लोगों ने सबसे ज्यादा फॉलो किया, और आज भी उसी को सबसे ज्यादा मान्यता आज भी है। आज भी जो, हाँ ठीक है, उसमें विकृतियां आ गई हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रांति का समय था
जब कुमारिल भट्ट आए और उन्होंने इसका, कुछ लोग इस सारा क्रेडिट देते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य ने कर्म, आदिगुरु शंकराचार्य कर्म कांड से संबंध नहीं था, अगर होगा भी तो बहुत नाम मात्र का। वो जब हम अद्वैत वेदांत की चर्चा करेंगे, वेदांत अद्वैत वेदांत विशिष्ट अद्वैत इन सब की जब चर्चा होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि तो वेदांत क्या कहता है। लेकिन ये संपूर्ण मीमांसा का था और शंकराचार्य तो शास्त्रार्थ करने गए थे लेकिन भट्ट अपने प्रायश्चित में अपने देह का त्याग कर रहे थे, तो उन्होंने, क्योंकि वो इतने बड़े बुद्ध के अनुयायी थे कि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं कभी बौद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, ये संकल्प लिया था। और वो उनका संकल्प तोड़ना पड़ा क्योंकि चारों तरफ का माहौल ऐसा बन गया था, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, बौद्ध भिक्षुक भिक्षु बने रहते थे भिक्षुक और भोग में लिप्त रहते थे, ये नहीं चलेगा। आज भी बुद्ध के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। बुद्ध का अर्थ है साधना, सीधी सी बात। अगर आप साधक नहीं है, अगर आप ध्यान और सम्यक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति नहीं है, सम्यक कर्म करने वाले उनके स्ट्रांग मार्ग के अनुवाई नहीं है, हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को मानते खाली बुद्ध बुद्ध ऐसे किए जा रहे हैं, अपने नाम के साथ बुद्ध जोड़ लिया आपने, लेकिन अगर आप नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप बुद्ध को ही कलंकित कर रहे हैं। और भट्ट ने देखा कि वैदिक धर्मों का अपमान, इस तरह की चीजें, इसलिए अपने संकल्प को टूटने के कारण उन्होंने प्रायश्चित किया और यह बात आदिगुरु शंकराचार्य को बताई। जब उन्हें बताई तो शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि आपने जो भी किया वो जन कल्याण के लिए किया, आपका उद्देश्य पवित्र था इसलिए मेरे अनुसार आपको पाप नहीं लगता, लेकिन कुमारिल भट्ट के मन में था कि मैंने संकल्प तोड़ा है इसलिए मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन अपना कार्य करने के बाद, अपना बहुत कार्य करने के बाद उन्होंने इस प्रायश्चित को किया और अपना देह त्याग दिया। अपने प्रायश्चित में बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े क्रांतिकारी ऋषि हुए कुमारिल भट्ट। और फिर आदिगुरु शंकराचार्य को वो इशारा करते कि आप मेरे शिष्य के पास जाइए, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र के पास पहुंचे और वहां पर ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र और आदिगुरु शंकराचार्य। और जब मंडन मिश्र पराजित होने लगे तो उनकी अर्धांगनी, उनकी पत्नी देवी भारती ने आदिगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। और कहते हैं यद्यपि आदिगुरु शंकराचार्य इसमें अंत में विजय हुए लेकिन उनके पसीने छूट गए जब भारती ने आदिगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया, इसलिए नारी शक्ति का परिचय मिला। एक गृहस्थ जीवन था उनका, क्योंकि कुमारिल भट्ट के अनुसार गृहस्थ जीवन को ही श्रेष्ठ बताया गया कि वर्ण आश्रम धर्म के वो समर्थक थे, इसलिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ न्यास का वो समर्थन करते थे। तो इस प्रकार से ये घटना घटी और लेकिन जनमानस तक अपनी विचारधारा को भट्ट ने पहुंचा दिया। महर्षि कुमारिल भट्ट ने जनमानस तक अपनी विचारधारा को पहुंचा दिया और जनमानस ने उसका, क्योंकि उनको लाभ मिलता है, उससे लाभ मिलता, इस कारण से जनमानस उसमें लग भी गई। इसलिए मीमांसा दर्शन अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं, ये देवताओं को प्रसन्न करने की बात करता है, प्रकृति की रक्षा की बात करता है और कर्म कांड का इसीलिए प्रतिपादन करता है। कर्म कांड देता है कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म जो नैमित्तिक है विवाह के समय किसी निमित्त से किया जाता है, जैसे राजा बनने के लिए पुत्र प्राप्ति के हेतु कोई यज्ञ हवन किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, तो वो हो गया। काम्य कर्म, कामना से विवाह के लिए और कई चीजों के लिए कामना से जो कर्म किए जा रहे हैं कामनाओं के वशीभूत। फिर निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए उसको ही बताया गया निषिद्ध कर्म, जैसे कि सूर्योदय के बाद जो है सूर्योदय के समय स्नान करें, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, सूर्योदय के बाद मत उठो वो हानिकारक है। कई तरह के जो ये जो नित्य कर्म थे ये उसमें उन्होंने जो निषिद्ध है उसको मत करो, और जो निषिद्ध किया उससे कर्म का दोष लगेगा, पाप लगेगा, तो उसके लिए फिर प्रायश्चित कर्म का प्रावधान रखा गया, किसकी प्रायश्चित करो अगर तुमसे गलती हो गई है तो। ये था, ये मीमांसा का सारा सार था जीवन को अच्छा बनाने के। अगर कोई गलती भी हो गई तो उसका प्रायश्चित कर ले, व्रत उपवास जो भी है वो कर ले ताकि वो मन से हट जाए। और हमें, हम साइकोलॉजिकली बहुत मनोवैज्ञानिक और प्रैक्टिकल था मीमांसा का, मीमांसा की विचारधारा, इसलिए विचार करें और ये मीमांसा की क्रांति को समझें, ये सहायक है मोक्ष प्राप्ति में भी और साधना में भी।
तो ये मीमांसा का विचार था, आगे वेदांत, क्योंकि दोनों एक श्रेणी में है। अगली जो वीडियो अपलोड होगी वो वेदांत दर्शन का प्रारंभ होगा, वेदांत दर्शन। हो सकता है कि कई वीडियोज में जाकर हम उसको, उसके एक एक भाग को हम बता पाए। बाद में इतिहास में ठीक कुमारिल भट्ट के समय ही अगर कोई इसके बहुत बड़े प्रचारक हुए तो स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य हुए। उन्होंने वेदांत को किस प्रकार से रखा, अद्वैत वेदांत का क्या मत था, उसमें अद्वैत कैसे जुड़ा, और फिर विशिष्ट आदित्य रामानुजाचार्य के द्वारा कैसे लाया गया, इन सारे विषयों को हम वेदांत दर्शन की व्याख्या में ही श्रवण करेंगे। जुड़े रहें और सत्य पहुंचाने का काम करें दूसरों तक, दूसरे भी सत्य के जानकार बने और सत्य को जानकर सब अपने जीवन का कल्याण करें। धन्यवाद।